इंडिया से इजराइल आते समय क्या क्या सामान लाना है, इम्पोर्टेंट सामान? बहुत सारे दोस्त मुझे ये सवाल करते हैं, तो आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ इजराइल से आते समय लाना चाहिए उसके बारे में कुछ बताऊंगा। पांच चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो इंडिया से इजराइल आते समय आप ला सकता है। सबसे पहला, एक प्रेशर कुकर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि आपको यहाँ पे इसराइल में प्रेशर कुकर आपको ख़रीदने को नहीं मिलेगा कोई भी दुकान पर। और यहाँ पे अगर आप केयर गिवर में आते हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर में या एग्रीकल्चर वर्कर में कोई भी काम में आते हो, तो मैक्सिमम जगह पे आपको खाना खुद बना के खाना है तो आप एक प्रेशर कुकर ज़रूर लेके आइए, ताकि अच्छा अच्छा खाना बना के खा सके और जल्दी बना के खा सके। अगर सिंगल यूज़ के लिए ला रहे हैं तो प्रेशर कुकर आप कम से कम 2 से 3 लीटर वाला लाइए, और अगर 2 आदमी के लिए ला रहा है तो कम से कम 5 लीटर का लाइए। अब दूसरा इम्पोर्टेंट सामान जो इंडिया से लाना है वो है एक एयरटेल का सिम, ज़रूर लेके आइए, और उसमें मंथली रिचार्ज पैक भर के लाइए। अगर ईयरली पैक भर के लाता है तो और अच्छा है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जियो का सिम नहीं चलेगा क्या? तो अभी तक मेरा जितना भी दोस्त जो इसराइल में है ना, सबको पूछा, किसी के पास जियो का सिम नहीं है और वो चलता भी नहीं है। एयरटेल का सिम चलता है, तो एयरटेल का सिम ही आप लाइए। और जो एयरटेल का सिम आपको इसराइल में लाने के बाद उसका काम सिर्फ इतना ही होगा कि अगर आप कुछ जो इंडिया में जो भी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इंडिया में जो भी पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, इस तरह का अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसराइल बैठ के ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो फ़ोनपे, गूगल पे, वो इसराइल में काम नहीं, इसराइल में काम करेगा लेकिन आपको इंडिया में शॉपिंग करने के लिए काम करेगा, इसराइल में उससे कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। बाकी आपको जो डाटा पैक है ना, इसराइल में आने के बाद जो इंटरनेट पैक के लिए आपको इसराइल का ही सिम यूज़ कीजिए, क्योंकि इंडिया का सिम से अगर डाटा पैक यूज़ करेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा इसराइल में। बहुत सारे दोस्तों पूछता है कि रोमिंग करके लाएं क्या? तो रोमिंग वोमिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो सिम है वो लेके आइए एयरटेल का सिम, और उसमें मंथली पैक जो 155 का भी चल रहा है वो वाला भर के लाइए। उसमें डाटा कम होगा भी चलेगा, बस सिम एक्टिव होना चाहिए और मैसेज आना चाहिए, क्योंकि आपको मेन जो काम है ओटीपी आने के लिए, ओटीपी सिम में लाने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा बस उसी के लिए उसका काम है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिसिन। बहुत सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि इसराइल आते समय मेडिसिन ला सकता है कि नहीं, तो मेडिसिन आप ला सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी की वजह से आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो आप ज़रूर वो मेडिसिन लाइए। कम से कम 6 महीना तक का मेडिसिन आप लाइए। उसके बाद इसराइल में आने के बाद अगर आपको मेडिसिन फिर चाहिए तो आप यहाँ पे काफ़ी सारा कुरियर सर्विस है, दिल्ली मुंबई में भी काफ़ी सारा कुरियर सर्विस है, वहाँ से भी आप इसराइल में मेडिसिन मंगा सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा है वो। उसके बाद चौथा नंबर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लाना चाहिए इंडिया से इसराइल आते समय वो है कुछ कपड़े लेके आइए, कम से कम 6 महीने से साल भर तक का लगाने का कोई भी कपड़ा, जो रेगुलर यूज़ करने वाला कपड़ा, आप सुबह शाम यूज़ करने वाला सैंडल, जैकेट, पैंट, कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं, कम से कम 1 साल तक चलने वाला कपड़ा लाइए, क्योंकि इंडिया में बहुत कम दाम में अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, इसराइल में वही कपड़ा का दाम बहुत महंगा है यहाँ पे, और आप शुरू में ख़रीद भी नहीं पाओगे, बहुत महंगा है, आपको बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा। कम दाम में भी मिलता है लेकिन वो आपको कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि आप इंडिया से ही कपड़े कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का कपड़ा जो रेगुलर यूज़ करने वाला है वो सब सारा लेके आइए। और पांचवा नंबर का जो इम्पोर्टेंट सामान आप ला सकते हैं वो है कुछ पैसा लेके आइए आते समय, $200 से $300 तक, ताकि आपका महीने भर का खर्चा चल जाए, क्योंकि आप इसराइल आते समय जैसे बहुत सारा जो एम्प्लॉयर है वो आपको खर्चा देता है, पॉकेट मनी देता है इसराइल आने के बाद, लेकिन बहुत सारे नहीं भी दे सकता है ना, तो अभी अगर वो नहीं दिया तो आपको तो चलना पड़ेगा ना, तो 1 महीना बाद सैलरी मिलेगा। बहुत सारे एम्प्लॉयर नहीं भी दे सकता है टाइम में, सैलरी टाइम में देगा मतलब वो जो जो पॉकेट मनी है वो नहीं दे सकता, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इंडिया से ही वो पॉकेट मनी लेके आइए, $200 से $300, उसे लगभग आपका 1 महीना का जो खर्चा है ना वो चल जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें था जो आप इंडिया से इसराइल आते समय ला सकता है।
बाकी ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन ये पांच चीज़ मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। तो दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ एक दोस्त के घर पे, आज सैटरडे, आज फ्राइडे है, तो वहाँ पे ही मैं साथ में उसके साथ में आज बैठूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।